आज आपके सामने मैं एक ऐसी भाषा लेके आया हूँ जिस भाषा के लिए कंप्यूटर भी अपनी बाइनरी लैंग्वेज का प्रयोग ना करते हुए सीधे डायरेक्ट लेता है, वो हमारी संस्कृति है, हमारा सम्मान है, हमारा मान है, हमारा गौरव है। मैं आज आपके सामने एक ऐसी भाषा जिसके बारे में हमारे पूर्वजों ने लाखों वर्ष जिसका प्रयोग किया और जिस भाषा से हमारी पूरी संस्कृति की पूरी संस्कृति की जान है, पहचान है, मान है और सम्मान है, उस भाषा को मैं आज पढ़ाने आया हूँ। उस भाषा है आपकी संस्कृत भाषा। संस्कृत अपने आप में एक अनूठी भाषा है। और देखिए, कोई भी भाषा हो, चाहे जो भाषा आपको सीखना है, अगर कोई भी भाषा आपको सीखना है तो उस भाषा के दो ही पहलू होते हैं, एक होता है आपका साहित्य और दूसरा होता है आपका व्याकरण। और भाषा सीखने के लिए, इन दोनों पहलुओं को सीखने के लिए अति आवश्यकता हो जाती है हमारे लिए कि हम साहित्य और व्याकरण दोनों को अगर जान गए तो उस भाषा का हमारे पास संपूर्ण ज्ञान सुरक्षित हो जाएगा। आज देखिए, आज मैं बात करूंगा व्याकरण के बारे में। व्याकरण हमारा किसी भी भाषा का एक ऐसा संविधान कहिए या किसी भी भाषा के ऐसे नियम कानून कहिए जिन पर चलकर हमें उस भाषा की समृद्धि हासिल करनी होती है। तो सबसे पहले अगर हमें भाषा सीखनी है तो उसके लिए हमें जानना होता है व्याकरण। व्याकरण को जानना जरूरी होता है। दूसरा पहलू होता है साहित्य। ये जब हम व्याकरण को समझ लेते हैं तो उसके पहलू, दूसरे पहलू साहित्य की ओर जाते हैं और साहित्य को फिर हम सीखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि अगर हमें संस्कृत भाषा सीखना है या कोई भी दुनिया की भाषा सीखना है तो उसके संविधान, नियम कानून, यानी कि उसके व्याकरण को जानना बहुत ज़रूरी होगा। इसलिए आज मैं आपके सामने केवल उतनी बात करूंगा जिसमें आपको संस्कृत का एक पहलू, एक पक्ष समझ में आए कि आखिरकार संस्कृत की संस्कृति क्या है, यानी संस्कृत का प्रादुर्भाव कहाँ से हुआ, संस्कृत कहाँ से जन्म ली है और संस्कृत के बारे में किन किन ऋषि मुनियों ने क्या क्या बातें की हैं, इन बारे में आज केवल बात होगी। तो इसके लिए सबसे पहले हम संस्कृत के बारे में जानना स्टार्ट करेंगे। देखिए, संस्कृत जो शब्द है, संस्कृत एक ऐसा शब्द है, एक भाषा है जो कि अपने आप में एक पूर्ण शुद्ध भाषा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि ये एक वैज्ञानिक भाषा है। अगर हम संस्कृत शब्द की बात करें तो संस्कृत शब्द हमारा धन कृत इन शब्दों से मिलकर बना हुआ है। धन कृत जहाँ पर सम जो है, ये सम कोई भी जो धातु या शब्द के आगे लगता है वो उपसर्ग कहलाता है, इसलिए यहाँ पर सम भी एक क्या है, उपसर्ग है। तो यहाँ पर सम उपसर्ग की आवृत्ति हुई है या सम उपसर्ग आया है। उसके बाद हमारी जो क्री है ये एक धातु है और जो कित लिखा हुआ है ये कित हमारा एक प्रत्यय है। और इन सम उपसर्ग, क्री धातु और कृत प्रत्यय को मिलाकर हमारी संस्कृत का शब्द का जन्म हुआ है। अगर हम क्री की बात करें तो इसका अर्थ होता है आपका करना, यानी अगर हम संस्कृत के बारे में कुछ सीखना चाहते हैं तो हमें सबसे पहले अपने दिमाग में बिठाना होगा कि हमें संस्कृत रटना नहीं है बल्कि संस्कृत को कर करके सीखना है। यानी देखिए, आज की दुनिया में सबसे सरल काम है पढ़ना। आदमी कैसे पढ़ लेता है, अगर हम बात करेंगे कालिदास महोदय की, थोड़ी सी बातें करते हैं हम कालिदास महोदय की बात करते हैं तो देखिए उन्हें ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ। उन्हें ज्ञान तब प्राप्त हुआ जब उनकी पत्नी विद्योत्मा जी ने
उनसे कहा कि आप या वो मूर्ख हैं, महान मूर्ख हैं, आपको कुछ नहीं ज्ञान है। तब कालिदास को पता हुआ कि हम कितने मूर्ख हैं। यानी अगर आपकी पत्नी जी आपको कुछ कहती हैं तो आप ये समझिएगा, उसको पॉजिटिव डायरेक्शन में लीजिएगा और कालिदास बनने की तैयारी में जुड़ जाइएगा। अगर न्यूटन, एक न्यूटन वैज्ञानिक थे, वो अगर लेटे हैं, अगर धरती पर लेटे थे, लेटता कौन है, बाहर जाके कौन लेटता है? अगर बाहर जाके लेटने वालों की हम बात करेंगे तो उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें कहा जाता है कि वो तो आवारा है। और उसी आवारा व्यक्ति ने न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण नियम, यहाँ तक कि पूरी धरती और सम पर जितनी भी चीज़ें हैं उसको बताने का प्रयास किया। तो आप लोग आज से समझिएगा कि अगर आप बाहर लेटे हैं और फल गिरता है तो आप न्यूटन बनने की तरफ जा रहे हैं। अब देखिए, मैं बात करूंगा आगे, फिर टॉपिक पे आते हैं हम लोग, कि अगर यहाँ पर बात होगी हमारी तो सम उपसर्ग, क्रा धातु और कृत प्रत्यय, इनको मिलाकर हमारी संस्कृत का जन्म हुआ। इसमें एक शब्द और आता है, यदि हम सम के साथ क्रा मिलाएं, उधन कृत प्रत्यय, कृत प्रत्यय में केवल ता जुड़ता है, तो अगर हम ता जोड़ें तो हमारा शब्द बनेगा समकृत। लेकिन शब्द है हमारा संस्कृत। संस्कृत शब्द के लिए यहाँ पर एक और आगम आता है, वो होता है सुट का आगम। सुट एक आता है और सुट के आगम के साथ सुट से सा लिया जाता है और हमारा शब्द बन जाता है संस्कृत। इस संस्कृत शब्द की बात की जाएगी तो संस्कृत एक परिष्कृत भाषा है। इसका अर्थ होता है शुद्ध भाषा, परिष्कृत भाषा या शुद्ध भाषा। यानी संस्कृत एक शुद्ध भाषा और वैज्ञानिक भाषा है। ये आप जानिएगा कि पूरी संस्कृत वर्णमाला को ध्वनि विज्ञान के अंतर्गत रखा गया है। यानी पाणिनि ने जो अपनी व्याकरण को संकलित किया, एक बात कही जाती है, पाणिनि ने संस्कृत को बनाया नहीं है, पाणिनि ने संस्कृत भाषा को संकलित किया है। यानी उसके नियम कानून को पाणिनि महोदय ने बताया कि कैसे आगे संस्कृत को हम पढ़ेंगे, कैसे सभी के लिए आसान और एक सी संस्कृत हो जाएगी। तो अगर हम बात करेंगे कि संस्कृत का प्रादुर्भाव क्या हुआ, तो ये कहा जाए कि संस्कृत का प्रादुर्भाव का कोई जन्म या अथार्थ स्रोत हमें नहीं मालूम होता। इसके बारे में केवल परंपराएं ही प्रचलित हैं। इन परंपराओं के बारे में, परंपरा उन्हीं के बारे में प्रचलित होती है जिसके बारे में हम शुद्ध बात नहीं कर पाते हैं। तो हम परंपराओं के बारे में बात करेंगे कि आखिरकार ऐसी कौन कौन सी परंपराएं हैं या किन के द्वारा हमें प्राप्त होता है कि संस्कृत यहाँ पर इस धरती पर अवतरित हुई। क्योंकि संस्कृत का दूसरा नाम है देववाणी। यानी ये माना जाता है कि संस्कृत एक देवताओं की वाणी है, देवता लोग इसको पहले बोला करते थे। अब देखिए, संस्कृत के बारे में मुख्य रूप से बहुत सी परंपराएं हैं, लेकिन मैं बात करूंगा संस्कृत के बारे में उन परंपराओं की जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें कोई व्याकरणाचार्य नहीं बनना है, हमें एक सिंपल सा यूपी टेट का पेपर क्वालिफाइड करना है जिसमें कि प्राथमिक स्तर की संस्कृत पूछी जाती है। तो इसके बारे में हमारी पहली परंपरा है बृहस्पति परंपरा। बृहस्पति परंपरा ऐसी परंपरा है, ये कहा जाता है कि संस्कृत को जब इस धरती की उत्पत्ति की ब्रह्मा जी ने, तो एक समस्या आई कि कैसे हम बातचीत लोगों के बीच में प्रारंभ करवाएंगे। तो इसके लिए देवताओं के जो गुरु थे उनका नाम था बृहस्पति। बृहस्पति जी को बुलाया और ब्रह्मा जी ने कहा कि हे महोदय, आप देवताओं के गुरु हैं, आप ये बताइए इस सृष्टि पर कैसे आखिरकार संस्कृत का बोलबाला एक दूसरे के पास संस्कृत पहुंच पाएगी। तो उन्हें कहा गया, अब समस्या थी कि संस्कृत बोली कैसे आएगी, कैसे पहुंचाई जाएगी। तो इसके लिए ब्रह्मा ने बृहस्पति को आदेश दिया,
तो बृहस्पति सबसे पहले आपने सुना होगा एक अंग्रेजों के ज़माने में निस्पंदन का सिद्धांत यानी फिल्टराइजेशन, यानी उच्च वर्गों से शिक्षा निम्न वर्गों की ओर कैसे आएगी। तो अगर हम बात करेंगे तो बृहस्पति के ऊपर भी यही फॉलो हुआ, यही नियम फॉलो हुआ, और बृहस्पति जी ने सबसे पहले संस्कृत भाषा को पढ़ाना स्टार्ट किया इंद्र को। उन्होंने सोचा कि मैं पहले राजा यानी देवताओं के राजा को अगर मैं पढ़ाऊंगा और देवताओं के राजा को आएगी तो राजा से धीरे धीरे यह संस्कृत भाषा प्रजा तक पहुंचेगी और प्रजा तक पहुंचने के बाद इस जनमानस तक पहुंच ही पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले अगर बात की जाए तो उस बृहस्पति जी ने किनको पढ़ाया, इंद्र महोदय को पढ़ाया, यानी जो पढ़ाता है उसे संस्कृत भाषा में कहा जाता है वैयाकरण, जो सीखता है उसे कहा जाता है व्याकरण, यानी जो व्याकरण का विशेषज्ञ होता है, और जो पढ़ाता है उसे कहा जाता है प्रवक्ता। तो जो पढ़ाता है उसे प्रवक्ता कहा जाता है और जो व्याकरण को सीखता है उसे कहा जाता है व्याकरण। तो सीखी किसने थी, सीखी थी सबसे पहले इंद्र ने, और सिखाई किसने थी सबसे पहले, तो सिखाई थी हमारे बृहस्पति जी ने। और देखिए बृहस्पति जी ने सिखाई और इंद्र ने सीखी, तो इन्हें कहा गया प्रथम प्रवक्ता और इन्हें कहा गया प्रथम व्याकरण। तो इस परंपरा के अनुसार जो हमारे पेपर में पूछे जाने वाले क्वेश्चन हैं वो दो ही हैं, एक हमारा है कि पहला प्रवक्ता कौन है यानी प्रथम प्रवक्ता कौन है, और दूसरा है हमारा प्रथम व्याकरण कौन है। तो आपसे पूछा जाएगा तो आप बताएंगे कि प्रथम व्याकरण इंद्र है और प्रथम प्रवक्ता कौन है, बृहस्पति जी हैं। अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं, अब दूसरी परंपरा जो कि बहुत फेमस परंपरा है जिसके बारे में सभी लोग जानते हैं, दूसरी परंपरा है महेश्वर परंपरा, महेश्वराय परंपरा, इसी को कहा जाता है पाणिनि परंपरा। अब देखिए उस जमाने में क्या हुआ कि ऋषि मुनि जो थे हमारे ऋषि मुनि, उन्होंने क्या किया कि एक बार शंकर जी को प्रसन्न किया। अब संस्कृत शंकर जी जब प्रसन्न हुए तो संस्कृत शंकर जी जब प्रसन्न हो जाते थे, आप लोग भी जब प्रसन्न होते होंगे तो आपका डांस करने का मन करता होगा, ऐसे ही हमारे शंकर जी थे। शंकर जी जब प्रसन्न होते थे तो उनको तांडव करने का मन होता था, तो जब शंकर जी प्रसन्न हुए तो उन्होंने तांडव नृत्य किया। उस समय आज के ज़माने में डीजे वीजे नहीं चलता था, डीजे वीजे ना चलने के कारण शंकर जी का जो डीजे था वो था डमरू, और शंकर जी ने नृत्य करते हुए अपना डमरू बजाया। उस डमरू से शंकर जी तो अपना नृत्य कर रहे थे, डमरू बजा रहे थे, अपने मग्न थे, लेकिन जो पाणिनि महोदय थे उनका ध्यान इस पर था कि शंकर जी की डमरू से क्या निकल रहा है, और जो शंकर जी की डमरू से निकला उसे पाणिनि महोदय ने संकलित किया, और संकलित करने के बाद उनका नाम दिया महेश्वर सूत्र, उनको उन्होंने नाम दिया महेश्वर सूत्र। अब पाणिनि, आप कहेंगे पाणिनि, पाणिनि व्यक्ति का नाम आप लोग बिल्कुल अच्छे से जान लीजिए, क्योंकि पहली बार संस्कृत को किसी ने नियमबद्ध करने का प्रयास किया तो वो पाणिनि महोदय थे। पाणिनि महोदय ने ही सबसे पहले संस्कृत को नियमबद्ध किया। देखिए महेश्वर सूत्र में आखिरकार है क्या, महेश्वर सूत्र में जैसे आपने हिंदी की वर्णमाला पढ़ी है ना, छोटा बड़ा छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ, इसी तरीके से 14 जो महेश्वर सूत्र हैं, इन 14 महेश्वरों सूत्रों में पाणिनि महोदय ने इन संस्कृत की वर्णमाला को नियमबद्ध किया है। कितने महेश्वर सूत्रों में, 14 महेश्वर सूत्र में। अब देखिए 14 महेश्वर सूत्र में हो गए संकलित हो गए,
अब इसमें जो 14 महेश्वर सूत्र में अगर आपसे कोई पूछता है कि आखिरकार इसमें है क्या, तो आप बताइए कि इसमें संस्कृत की वर्णमाला नियमबद्ध है। इसमें से हम बात करेंगे थोड़ी सी देर के लिए, यहाँ पर महेश्वर सूत्रों के वो रोक देते हैं, हम बात करते हैं थोड़ी आगे की संस्कृत की प्रादुर्भाव कैसे कैसे आगे बढ़ी, कैसे कैसे संस्कृत को जाना, लोग बागों तक कैसे पहुंची, इन सब बारे में हम लोग आज बात करने जा रहे हैं। तो थोड़ी देर के लिए यहाँ पर रोकते हैं। अब हम बात करेंगे आगे कि पाणिनि के बाद एक और ऋषि मुनि हुए, पाणिनि के बाद एक और ऋषि मुनि हुए जिनका नाम है आपका कात्यायन। कात्यायन या इन्हीं को दूसरे नाम से कहा जाता है वररुचि। क्या कहा जाता है? वररुचि। देखिए आज के ज़माने में जैसे होता है, पहले भी ऐसे होता था, आज की डेट में जैसे आप संस्कृत बोल रहे हैं, हिंदी बोल रहे हैं, तो आपको लगेगा कि अब भाई इसमें कुछ सुधार होना चाहिए। तो पाणिनि ने जो अपनी लिखी अपनी संस्कृत, उसको पाणिनि ने संकलित किया अपनी मुख्य किताब, उसका नाम था अष्टाध्यायी। क्या नाम था? अष्टाध्यायी। और इस अष्टाध्यायी में पाणिनि महोदय ने बहुत ही सूक्ष्म तरीके से, बहुत ही शॉर्ट तरीके से संस्कृत को लिखने का प्रयास किया। और जब हम किसी चीज़ को शॉर्ट कर देते हैं या सूक्ष्म कर देते हैं तो उसको कहा जाता है सूत्र। तो पाणिनि ने इस अष्टाध्यायी में सूत्रों के माध्यम से संस्कृत भाषा को संकलित किया। लेकिन सूत्र आप जानते हैं, सूत्र कोई भी हर व्यक्ति तब तक नहीं फॉलो कर सकता जब तक कि उसे कोई और बताए ना कि सूत्र का अर्थ क्या होगा। तो पाणिनि की जो अष्टाध्यायी थी वो थोड़ा क्लिष्ट थी, हर किसी के जानने योग्य नहीं थी, इसलिए पाणिनि की अष्टाध्यायी में कुछ कमियां भी उन्हें नज़र आईं कात्यायन महोदय को। उन्होंने पाणिनि के ऊपर, पाणिनि की अष्टाध्यायी के ऊपर एक अपनी किताब लिखी, उस किताब का नाम था वार्तिक। या ये कहें कि जो वार्तिक है, वार्तिक में लिखे गए हैं जैसे सूत्र के ऊपर जो आगे की रचना होती है उसे हम कहते हैं वार्तिक। जैसे सूत्र होते हैं, श्लोक होते हैं, ऐसे ही एक वार्तिक होता है। तो इन्होंने वार्तिक लिखे इस सूत्रों के ऊपर, इसलिए इनकी किताब का नाम भी क्या है? वार्तिक। और इसके बाद कुछ दिन बाद और कुछ दिन चली ये भाषा पाणिनि और कात्यायन के बाद, उसके बाद हमारे एक और ऋषि मुनि आए जिनका नाम आप लोग बहुत सुनते होंगे, क्योंकि आप लोग इनका फेस पाउडर पतंजलि आजकल आप सुन ही रहे होंगे, फेस पाउडर से लेकर क्रीम से लेकर चावल से लेकर दाल से लेकर हर चीज़ मार्केट में अवेलेबल है, इसलिए पतंजलि जीन्स भी अवेलेबल है। तो आप पूर्णतः आयुर्वेदिक से इनका नाम जुड़े हुए जानते हैं। अब तक आप जानते होंगे कि पतंजलि एक आयुर्वेदाचार्य थे, लेकिन आज मैं इनका दूसरा रूप आपको दिखाने चाहता हूँ कि इनका दूसरा रूप भी है। इन्होंने संस्कृत के ऊपर एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा, उस ग्रंथ का नाम था महाभाष्य। क्या नाम था? महाभाष्य। देखिए सिस्टम क्या है, मैं आपको समझाता हूँ। जब कोई चीज़ संस्कृत में शॉर्ट रूप में लिखी जाती है तो उसे कहा जाता है सूत्र, और जब सूत्रों को थोड़ी व्याख्या करके लिखा जाता है, थोड़ी बड़ा करके, थोड़ा उनका अर्थ समझा के, तो उसे कहा जाता है वार्तिक। और वार्तिक के ऊपर अगर कुछ और बड़ा करके लिखा जाता है और समझाने का प्रयास किया जाता है तो वो कहलाता है आपका क्या? भाष्य। यानी सबसे पहले सूत्र, फिर वार्तिक, और वार्तिक के बाद क्या? भाष्य। लेकिन सारे कुछ क्या है? भाष्य। लेकिन पतंजलि क्या है? पतंजलि का है महाभाष्य। क्या नाम है इसका? महाभाष्य। क्योंकि इसमें भाष्यों से भी सब भाष्यों में सबसे बड़ा है, इसलिए इसका नाम क्या है? महाभाष्य। अब देखिए इन तीनों मुनियों को ये त्रि आप जानते, इन तीनों मुनियों ने संस्कृत को पूर्णतः स्थाई किया, या पूर्णतः संस्कृत में जो विशेष योगदान है वो इन तीनों मुनियों का है, इसलिए इनको कहते हैं त्रि मुनि। पेपर में आपके क्वेश्चन पूछा जा चुका है,
कि त्रि मुनि में से कौन नहीं है। तीन नाम आपको ये दे दिए जाएंगे, चौथा नाम कुछ और होगा, उसमें आपको लगाना होगा कि कौन सा नाम होता है। देखिए ये तीन है, पहले सूत आते हैं, फिर वार्तिक आता है, और वार्तिक के बाद आता है भास, और भास के ऊपर जो लिखा जाता है उसे कहा जाता है आपका टीका। क्या कहा जाता है? टीका। तो टीका जो लिखे हुए हैं वो भट्टोजी दीक्षित और हमारे जो बरद राज महोदय हैं, उन्होंने इस भाष्य के ऊपर टीका लिखा लगाया। अब देखिए मैं आपको समझाने का कॉन्सेप्ट कि आखिरकार संस्कृत पढ़ने वाला विद्वान क्या पढ़ना चाहेगा, सूत्र पढ़ना चाहेगा, वार्तिक पढ़ना चाहेगा या भाष्य पढ़ना चाहेगा। देखिए अगर आपने पहले जमाने में सुना होगा, पहले क्या चलता था? बल्ब। बल्ब के बाद क्या आई? ट्यूबलाइट। और ट्यूबलाइट के बाद क्या आ गई है आज? एलईडी। क्या आया है? एलईडी। एलईडी क्या है आज की डेट में? आप बल्ब यूज कर रहे हैं कि एलईडी? एलईडी इसलिए यूज कर रहे हैं क्योंकि एलईडी क्या है आपके लिए? सार्थक। इसीलिए आज का विद्वान मुख्य रूप से जो मत पढ़ना चाहता है वो किसका पढ़ना चाहता है? पतंजलि का, और ये कहा जाता है आपका महाभास। लेकिन ये महाभास आधारित किस पे है? पाणिनि की अष्टाध्यायी पर ही आधारित है। और पतंजलि ने ये महसूस किया था कि जो कात्यायन ने बातें लिखी हैं उनसे कहीं ज़्यादा सत्य बातें पाणिनि महोदय ने लिखी, और इसी वजह से महापतंजलि ने पाणिनि की अष्टाध्यायी को अपना मूल स्रोत बनाते हुए महाभाष्य लिखा। और ये कहा जाता है कि जो सबसे श्रेष्ठ मत है आज की दुनिया में संस्कृत में वो किसका है? पतंजलि का। सॉरी, पतंजलि ता नहीं लिख पाया था, आप लोग समझ जाइएगा। ये पतंजलि महोदय, इस तरीके से अगर हम बात करेंगे तो ये हमारे तीन ऋषि मुनियों की परंपराओं पर आधारित, इन्होंने ही हमारी व्याकरण शास्त्र को पूरी तरीके से संकलित किया हुआ है। यानी ये पाणिनि की अष्टाध्यायी भी व्याकरण पर आधारित है, कात्यायन की वार्तिक भी व्याकरण पर आधारित है, और पतंजलि की महाभाष्य भी आपकी व्याकरण पर आधारित है। और ये तीनों मुनियों को कहा जाता है त्रिमुनि। ठीक है, तो आपके दो तीन क्वेश्चन यहीं से तैयार होते हैं। पहला आपका कि यहाँ पर पतंजलि की किताब का नाम पूछा जा सकता है, कात्यायन की किताब का नाम पूछा जा सकता है, और आपके पाणिनि की किताब का नाम पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर आपके ये तीन क्वेश्चन तैयार होते हैं। अब हम प्रयास करेंगे कल के वीडियो में इन किताबों के ऊपर आपकी क्या क्या दिया गया है, कैसे इन किताबों में बातें हुई हैं, इन सब बातों में मैं कल बात करूंगा। और मैं आपसे कहूंगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। और देखिए लॉकडाउन में सबसे अच्छा फ़ायदा मिला है, जो दोस्त आपको परेशान करते थे, फ़ोन करते थे, बात करते थे, कोई डिस्टर्ब करने वाला नहीं है, आराम से कमरे में पढ़िए और बराबर आप लोग लगातार पढ़ते रहिए। धन्यवाद।